इंदौर के लोगों को 1 सितंबर की सुबह सुबह सौगात मिली है। इंदौर से दुबई के लिए 1 सितंबर से फ्लाइट का शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही इंदौर से ग्वालियर के लिए सीधी फ्लाइट सर्विस की शुरुआत भी हुई है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंदौर अब 13 शहरों से सीधे जुड़ गया है। लंबे समय से इंदौर के लोग दुबई के लिए सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे थे। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही फ्लाइट का संचालन रोक दिया गया था। बीते दिनों नगर विमानन मंत्री ने घोषणा की थी कि 1 सितंबर से दुबई के लिए इंदौर से सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू हो जाएगी। इंदौर के लोगों को बुधवार की सुबह सुबह ये सौगात मिल गई है। कोरोना के बाद इंदौर देश का 10वां ऐसा शहर है जहां से दुबई के लिए सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट बेंगलुरु से इंदौर आएगी और यहाँ से दुबई के लिए उड़ान भरेगी। वहीं दुबई से शाम को रवाना होकर फ्लाइट रात में इंदौर पहुंचेगी। इसके अलावा इंदौर एयरपोर्ट से ग्वालियर, लखनऊ, अहमदाबाद और नागपुर के लिए भी बुधवार से सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। फ्लाइट शुभारंभ के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत इंदौर और ग्वालियर से शिवराज सरकार के कई मंत्री वर्चुअली जुड़े रहे। एयर अरबिया ने मंगलवार को कहा कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से यात्रा करने वाले यात्रियों को शारजा और रसल खेमा के लिए उड़ान भरते समय कोविड-19 टीकाकरण रिकॉर्ड दिखाना होगा। इन दोनों अमीरात में आने वाले सभी यात्रियों को नए जारी किए गए वीजा के साथ पंजीकरण करना होगा। एयर इंडिया ने जब दिल्ली से शिकागो के लिए उड़ान भरी तो फ्लाइट में सवार 40 पैसेंजर का सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रह गया, जिसके बाद कई लोगों ने ट्विटर के माध्यम से कंप्लेन भी की। एयर इंडिया ने घटना की जांच की बात कही है। यूएस की गवर्नमेंट ने भारत को लेवल 3 की कैटेगरी में रखा है। यदि आपके पास यूएस का वीजा है और आप यूएसए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वैसे अभी भी यूएस की गवर्नमेंट ने बहुत सी कंट्रीज को लेवल 3 से निकालकर लेवल 4 में कर दिया है, क्योंकि इन सभी देशों में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत में कोरोना केसेस काफी समय से कंट्रोल में है। इसी वजह से यूएसए ने भारत को लेवल 3 में कर दिया है। अब जो कोई भी शारजा के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं, यदि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो वे ट्रेवल करके जा सकते हैं। शारजा में ई वीजा की सर्विस भी शुरू हो चुकी है, तो यदि आपके पास नया वीजा है और आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आप शारजा के लिए आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। भारत से दुबई की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को ये बता दें कि इस रूट पर अब फ्लाइट का किराया 2 से 3 गुना महंगा हो गया है। एमिरेट्स एयरलाइन इस रूट के लिए अपनी फ्लाइट की टिकट को 1,40,000 रुपये में बेच रही है, तो वहीं भारत की कंपनी इंडिगो एयरलाइन इसी रूट के लिए अपने फ्लाइट की टिकट 40 से 50,000 रुपये में बेच रही है।